मॉर्निंग क्लास, आज हिंदी व्याकरण में मैं आपको पाठ 8 प्रत्यय पढ़ाऊंगी। सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रत्यय किसे कहा जाता है। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगकर, आप ये ध्यान रखिए अंत, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश के अंत में लगते हैं और उनके लगने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और प्रत्यय लगने से भी नए शब्दों का निर्माण होता है। आपने उपसर्ग पढ़ा था कि उपसर्ग में किसी शब्द से पहले लगता है, उपसर्ग जो है वो किसी शब्द से पहले लगता है और यहाँ पर प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है या शब्द के बाद लगता है। तो प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे दुकानदार, यहाँ पर दुकान मूल शब्द है, उसमें दार प्रत्यय लगा हुआ है जिससे दुकानदार शब्द बन गया। घबराहट, इसमें घबराहट, घबरा इसमें आहट प्रत्यय लगा हुआ है और जिससे मिलकर बन गया घबराहट। बढ़िया, बड़े शब्द में या प्रत्यय लगने से बन गया बढ़िया। आपने समझ ही लिया होगा कि प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहते हैं जब क्रिया के अंत में लगते हैं प्रत्यय, उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय, और जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगते हैं तो वो होते हैं तद्धित प्रत्यय। थैंक यू।